मध्य प्रदेश में चार बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जन्मदिन 5 मार्च को मनाया जाएगा। बता दें, इसकी पूर्व संध्या पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा ने इंदौर की विधानसभा एक में 11,100 पौधे वितरित किए। उक्त कार्यक्रम नगर की भावना मिश्रा के वार्ड क्रमांक 7 में किया गया। दरअसल आपको बता दें कि कल 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा के द्वारा बड़ा गणपति चौराहे पर पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही विधानसभा एक व वार्ड क्रमांक 7 के नागरिकों को 11,100 पौधों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर नगर निगम की पार्षद भावना मिश्रा के वार्ड क्रमांक 7 के पौधा वितरण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित वर्तमान सांसद एवं महिला मोर्चा की महिलाएं व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज मिश्रा द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता उमेश जी शर्मा पुरी बाबा का भी स्वागत वंदन सेंटर दे दो का जन्मदिन कल है और पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। पर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया सबको कि जन्मदिन पर उनके जन्मदिन पर कोई बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम न करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और जो जिसकी जिसकी क्षमता हो उसे वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं। और उसी को लेकर आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक में माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय भूतमरे मोगे जी और हमारे बहुत ही युवा साथी मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में और हमारे सभी साथी पार्षदगण, पदाधिकारीगण सबने मिलकर यहाँ पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री मंशानुसार आज ये शुरुआत है और आज पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। कितने पौधे हैं? 1100 पौधे आज वितरित किए जा रहे हैं और ये सतत चलता रहेगा। कल भी विधानसभा एक में और पूरे इंदौर में जगह जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हमने 1100 पौधों का वितरण करा और पौधारोपण का हमने कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, जिसमें आदरणीय हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, आदरणीय कृष्णराजी मोगे जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय अमरजीत सिंह जी और विधानसभा के सारे हमारे नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिस तरह पौधारोपण का कार्यक्रम रोज करते हैं, उन्हीं के हमने आदेश अनुसार ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित